तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। दोस्तों, आज एक जो आदेश है विभागीय वेबसाइट पर डाला गया है और उस वेबसाइट पर डाले गए आदेश का असली मतलब क्या है, क्योंकि जैसे ये ग्रुपों में वायरल हुआ लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। पहले क्लियर कर दे रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसमें जो लिखी गई लाइनें हैं उनको लेकर के किसी भी अभ्यर्थी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। RNS एजुकेशन न्यूज आपको लगातार वो खबरें बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं और जिनमें आपका कलेजा उठ जाता है ना, उन खबरों को मैं ज़्यादा बताता हूँ कि ताकि आप लोगों के मन को सुकून और शांति मिल सके। ये जो आदेश है इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। क्या? कोई भी लेना देना नहीं है किसी को। इसमें लिखी गई चीज़ों से, इसमें लिखे गए शब्दों से कोई मतलब नहीं रखना है। ये बेसिकली क्या है साथियों, जो नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती हैं उसके संबंध में जो भी कोर्ट के आदेश आए या चिकित्सा विभाग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए उनको यहाँ पर डालने के क्रम में बताया गया है। वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में, पब्लिक डोमेन में चीज़ें करने के संबंध में ये जो प्रेस नोट है रिलीज किया गया है। अनौपचारिक टिप्पणी के साथ ये आप लोग देखें, दिनांक 22/12/2023 के क्रम में और नर्सिंग तथा पैरामेडिकल संवर्ग की प्रक्रियाधीन भर्ती वर्ष 2023 में अभ्यर्थियों को जारी किए गए प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में निदेशक राज्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 12/719 दिनांक 22/12/2023 मय संलग्न दस्तावेजों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें। यानी कि दोस्तों, जो 22 दिसंबर को जो लेटर डाला गया था उसमें क्या बताया गया था कि भाई पुनर्सत्यापन जो है जनवरी के पहले सप्ताह से हो रहे हैं। पुनर्सत्यापन में जब आप लोग एक्सपीरियंस बनाओगे तो उस पर आप लोग को बताना होगा कि ये एक्सपीरियंस हमने इसलिए बना करके दिया है, कोर्ट का आदेश था, इसने अन्य राज्य में काम किया वगैरह वगैरह। तो ये वही बात है, यानी कि जो सिपू की साइट पर 22 दिसंबर को दो पेज का एक नोटिफिकेशन आया था, दो पेज का, उसका डिटेल्ड स्वरूप ये है, उसका विस्तृत स्वरूप ये है, डिटेल्ड में ये है। अब इसमें क्या क्या है साथियों, ये देखिए, ये जो लेटर था 22/12 का था, किस क्या था, अनुभव प्रमाण पत्रों के बारे में कि भाई जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो रहे हैं। ये लेटर था, दो पेज इसके थे यहाँ तक के। उसके बाद का क्या है दोस्तों, ये आप लोग देखें, बोनस अंकों के मामले में, जिस मामले के तहत आप लोगों को बोनस दिए गए, यानी कि जब भर्ती आई थी मई 2023 में, उससे पहले 25 अप्रैल 2023 को आप लोगों के बोनस संबंधी निर्णय लिए गए थे। बोनस अंक किन किन को दिए जाएंगे वो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, बताया गया था पब्लिकली डोमेन में। ये थे दोस्तों, ये वो 20 पॉइंट थे जिसके तहत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना था या बोनस अंक दिए जाने थे। 20 पॉइंट 21 पॉइंट इसके ये थे और उसके साथ ये बोनस का फॉर्मेट था जो आप लोगों ने दिया था बनवा करके। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। उसके बाद की स्थिति देखिए दोस्तों, उसके बाद इन्होंने कहा है आदेश 22 नवंबर को क्या आदेश आया था कि दोस्तों, जो आप लोगों के अनुभव वेरिफिकेशन हैं वो दोबारा से करे जाएंगे, दोबारा से उनको जांचा जाएगा और उस जांचने के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी है वो समझ CMHO या संबंधित जो अधिकारी हैं बोनस जारी करने वाले उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो ये दो पेज तीन पेज उनके लिए हैं। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन का जो फॉर्मेट था वो ये था। ठीक है साथियों, ये यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद देखिए, आपको बताते हैं, ये देखिए, रिट संख्या 19-677 है /2022 लालाराम बनाम राज्य सरकार। तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए उनके बारे में निर्देश पारित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, कि कोई भी प्रमाण पत्र हमने स्वीकार नहीं किया है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है साथियों, ये भी आप लोग देखें। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर ये आदेश है 19-290/2022 जोगेश सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार कनेक्टेड याचिकाओं जो में हाईकोर्ट का निर्णय आया था, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है कि बोनस संघ के अधिकारी। ये दोस्तों क्या था, एच आर
HS, ठीक है, FRHS। तो ये FRHS के बंदों ने भी लगाई थी याचिका, भाई बोनस वंक दिया जाए, तो इन्होंने नहीं दिया इस बात में, इस निर्णय को भी इन्होंने यहाँ पर देखिए, कल्याण कराती है रेगुलर्स का बोनस अंक करने के इच्छुक है, देखिए ये यहाँ पर आप लोग देखें, सीधे राज्य सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राज्य प्राइवेट संस्थानों को सेवा, तो ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये उनको HRFS वालों को जो मना करा था उसके लिए है, ठीक है साथियों। तो ये यार ये पेज हैं, अब इसको लेकर के बोल तो कह रहे हैं कि उसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है ये। अब इसमें आप लोगों को ये कट करके कह देगा, इसमें उसको नहीं दे रहे, इसमें उसको नहीं दे रहे, भाई इन बातों पर गौर मत करो, ठीक है, पूरे आसान भाषा में समझा दिया, 16-17 पेज थे, आप लोग इन पर बहस करते रहोगे, कुछ कुछ बातें चलाते रहोगे ग्रुप्स में, मैंने भी देखी थी, एक दो ग्रुप्स में बातें चल रही थी, तो तभी मैं ये वीडियो लेकर के आया। RNS पर भरोसा रखिए, हर एक लेटर, हर एक पत्र का जो जवाब है, उसकी जो भाषा है, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, नहीं समझ में आती है तो भाई देरी से आती है, वीडियो लेट लेके आऊँगा, लेकिन लेकर के जरूर आऊँगा, और ये तो मैंने देखते ही समझ लिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी बात है, ये कुछ भी लेटर नहीं है, इसमें क्या लाइन लिखी है क्या नहीं लिखी भाई, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अब तक के जो आदेश आए थे, क्या निर्देश थे, क्या चीज़ें थी, 22-11 का आदेश क्या था, 25-4-23 का क्या था, 16-11 का क्या था, जो भी थी डेट वगैरह, उनके लेखा जोखा एक तरीके से डिटेल्स में है, पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं, ठीक है, ये है इस लेटर का अर्थ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो टेंशन मत लो यारो, मस्त रहो, मदमस्त रहो, आराम से जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल इस आदेश से, इससे आप लोगों को ना कुछ करना है, ना इससे कोई लेना देना है, ठीक है ना, सिंपल सरल भाषा में बात यो है, ठीक है साथियों। वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग बहुत कम ज्वाइन कर रहे हो, ट्विटर पर भी फॉलो कर लो, RNS को सब जगह पे फॉलो कर लो, आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कोई भी खबर फेक नहीं मिलेगी, बिल्कुल प्रमाणिक और सटीक जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब तक पहुँचा दीजिए, जय हिंद जय भारत।